फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो कि है इकोसिस्टम। ओके, सो हमें ये पता है कि अर्थ एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। परहैप्स ये ओनली एक ही प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करता है, परहैप्स। सो अर्थ तीन लेयर से बना होता है। जो फर्स्ट लेयर होता है आउटर सॉलिड लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये लेयर एक सोर्स है, ये कंसिस्ट करता है मिनरल्स और सॉइल का। मिनरल्स जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बहुत एसेंशियल होते हैं फॉर द प्लांट एंड देयर ग्रोथ। ठीक है, सो फर्स्ट लेयर हम लोगों ने जाना वो क्या है, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर ये आउटर सॉलिड लेयर होता है। अब हमें ये भी पता है कि अर्थ सरफेस का जो 70% पार्ट है वो वाटर से कवर्ड अप है। सो जो एक्वाटिक इन्वॉल्व होता है अर्थ का, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। जो एक्वाटिक इन्वॉल्व 70% पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और ये भी पता है कि अर्थ सरफेस, अर्थ बहुत सारी गैसेस सराउंडेड होती है, गैसेस एयर, बहुत सारी एयर सराउंडेड होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो थर्ड डे हम लोग पढ़ेंगे वो है एटमॉस्फेयर। थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर। सो अर्थ कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। अगर हम लोग ऐसा पिक्चर इसे देखें तो ये समथिंग, ये वाटर और ये एटमॉस्फेयर, ये होगा लिथोस्फेयर जो आउटर लिथोस्फेयर, और जो 70% पार्ट होता है वो है हाइड्रोस्फेयर, वो होता है हाइड्रोस्फेयर। अगर हम लोग लिख भी सकते हैं लिथोस्फेयर आउटर सॉलिड लेयर, लिथोस्फेयर क्या होता है, आउटर सॉलिड लेयर। हाइड्रोस्फेयर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वॉटर, और उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। एटमोस्फेयर में बहुत सारी एयर गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे कंटेंट करती है जो कि लिविंग लाइफ के एग्जिट करने के लिए, एक लिविंग लाइफ के फॉर्म होने के लिए बहुत जरूरी है। ये तीनों लेयर जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होती है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होती है, जब ये तीनों लेयर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर जब एक दूसरे के साथ तीनों अट्रैक्ट होती है तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये तीनों जब इंटरैक्ट विद ईच अदर वहां पे लाइफ क्या होगी, लाइफ एग्जिस्ट करेगी, वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी जहां पे ये तीनों लेयर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होगी। अर्थ सरफेस पे कहीं पे भी जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। सो वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इन अर्थ सरफेस इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर
ठीक है। सो हम लोगों ने ये चार नए बड़े, लिथोस्फेयर, आउटर सॉलिड लेयर, हाइड्रोस्फेयर, अर्थ सरफेस का 70% वाटर कवर्ड उसको हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक लिविंग बींग के लिए एसेंशियल है और जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है सरफेस को उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग इस वर्ल्ड इकोसिस्टम को समझते हैं। ठीक है, अर्थ एक होम है, घर है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। अर्थ घर है, सो नेचर जो सराउंड करती है जिसमें लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स रहते हैं, जिसमें लिविंग बींग्स सर्वाइव करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंट, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंट। अब इस लिविंग थिंग्स जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होती है, एक दूसरे के सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट होती है, इसी इंटरेक्शन को फिजिकली एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होती है, इसी इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। इंटरेक्ट कोई भी लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, इंटरेक्शन of living things interaction of living things with their physical environment with their physical environment with their physical environment forms ecosystem. वो फॉर्म करता है एक इकोसिस्टम को। ठीक है, अब जो कॉमन एग्जाम्पल है इकोसिस्टम के वो है रिवर, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे आप लोग मुझे कमेंट बुक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।